सो वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन और चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर प्रैक्टिकली गाइड करता हूँ। फर्स्ट नंबर पे यूट्यूब चैनल को मैंने ओपन किया हुआ है एंड मेरे सामने ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि जस्ट कॉपी पेस्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। आपको एग्जांपल देने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए ये मैंने इसको सर्च किया हुआ है और ये चैनल्स आपके सामने मैं लेकर आया हूँ ताकि आप ये कहें कि यार वाकई लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं और इन चैनल्स के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं। मेरी निश क्या है, इंग्लिश शॉर्ट टेक्स्ट स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम मोस्ट डिमांडिंग निश है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो है 1 ईयर अगो है और 1.4 मिलियन इसके ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। इसी तरह नीचे मज़ीद हमें वीडियोस मिल रही हैं, इसी तरह शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और किड्स स्पेशली इनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। 2.5 मिलियन व्यूज़ हैं, 3.8 मिलियन व्यूज़ हैं और इसके बाद 25K है, 2.6 मिलियन, एवरेज 2 मिलियन 1 मिलियन व्यूज़ के साथ यहाँ पर हमें वीडियोस फर्स्ट पेज पे मिल रही हैं। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरह के शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज़ को क्रिएट कर लेते हैं, आप अर्निंग कर सकते हैं। अब कॉपी पेस्ट काम कैसे होगा, या आपके माइंड के अंदर ये चीज़ आएगी कि ये हम स्टोरीज़ को हमें खुद वॉइस ओवर करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैसे ये तमाम स्टोरीज़ क्रिएट की जाती हैं। उसके लिए जस्ट आपने नंबर फर्स्ट पे क्या करना है कि आपने गूगल में आना है, यहाँ पर सर्च करना है किड्स शो स्टोरीज़ इन इंग्लिश। आप जैसे सर्च करेंगे मल्टीपल साइट्स आ जाएंगी आपके सामने जो कि शॉर्ट स्टोरीज के लिरिक्स आपको प्रोवाइड कर देंगी या फिर आपको शॉर्ट स्टोरीज जो कि रिटन के अंदर मिल जाएंगी। सिंपल आपने क्या करना है, जैसे कि ये मेरे पास एक वेबसाइट आ चुकी है, ये क्या करते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज़ हमें रिटन के अंदर प्रोवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट पे क्या, द लाइन एंड द माउस स्टोरी का नेम है एंड यहाँ पर आप ये तमाम स्टोरी रीड भी कर सकते हैं और ये तमाम स्टोरी यहाँ पर रिटन के अंदर हमें दी भी गई है। एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के अंदर हमें ये स्टोरी मिल रही है और इसी तरह हमें यहाँ पर 10 to 20 स्टोरीज़ मिल रही हैं। आप डेली बेस पे एक स्टोरी भी अपलोड करो, आपको आपका कंटेंट यहाँ से ख़त्म नहीं होगा। अब हमने कैसे इनको कन्वर्ट करना है वीडियोज़ के अंदर, वो आपको गाइड करता हूँ। आपने क्या करना है, गूगल में आना है, अगेन यहाँ पर सर्च करना है फ्री TTS। जैसे आप ये सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी जिसका नाम है freetts.com है, ऑलरेडी ओपन की हुई है जस्ट टाइम सेविंग के लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट वो स्टोरी जो कि आपने अभी वहाँ से कॉपी की थी, सॉरी ओपन की हुई है, अब आपने इसको वन बाय वन यहाँ से कॉपी करना है। जैसे कि अ लाइन वाज वन स्लीपिंग इन द जंगल व्हेन अ माउस स्टार्टेड रनिंग अप एंड डाउन इन हिज डाउन हिज बॉडी जस्ट फॉर फन। इतना इसको कॉपी करें, फ्री TTS के आएँ ऊपर और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दें। आप इसको एक दफ़ा भी तमाम को पेस्ट कर सकते हैं, आप इसको जो सा है वो लाइन बाय लाइन भी या सेंटेंस बाय सेंटेंस भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसको तमाम को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, इसको कॉपी किया एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये तमाम वर्डिंग और तमाम स्टोरी जो कि हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, अब यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश को हमने करना है और वॉइस जो सी है वो हमने यहाँ पर जस्टिन मेल कर देनी है या फीमेल भी कर सकते हैं लेकिन जस्टिन मेल बेस्ट है। और उसके बाद आपने कन्वर्ट टू MP3 करना है और जैसे आप कन्वर्ट टू MP3 करेंगे उसके बाद यहाँ से आप इसको सुन भी सकते हैं कि इसकी कैसी वॉइस आ रही है। बट हम क्या करेंगे कि इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड दिस ऑडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ और अगेन इसको मैं ओपन कर लेता हूँ कि ये कहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस कंप्लीट स्टोरी को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट मेरी अगर आप सजेशन लें तो आप लाइन सेंटेंस बाय सेंटेंस करें ताकि ये सेंटेंस बाय सेंटेंस इससे इतनी ज़्यादा स्पीड से जो सी है वो वॉइस ओवर नहीं होगी। अगर आप इसको कम्प्लीटली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर यहाँ पर वॉइस आ रही है। इसको मैंने कन्वर्ट करके चेक किया है और उसके बाद आपने वॉइसिस के अंदर जस्टिस मेल की बजाय जॉय मेल कर लें, इसकी वॉइस ज़्यादा क्लियर है। उसके बाद कन्वर्ट टू MP3 कर लें और उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से एंड स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर और ओपन फोल्डर कर लेते हैं जहाँ पर ये पड़ी हुई है और उसको हम यहाँ पर अभी कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है हमने। अब हमने क्या करना है कि जस्ट यहाँ पर एक दो काम और करने हैं। यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है Pixabay, आपने Pixabay पे आना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है जैसे कि हमारी लाइन की स्टोरी थी लाइन एंड माउस, तो यहाँ पर मैं लाइन एंड माउस को कर लेता हूँ
सर्च और इनकी जितनी भी इमेजेस होंगी वो मेरे सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर दी लाइन एंड दी माउस की इमेजेस को यहाँ पर मैं ले आता हूँ। अब ये भी लाइंस हैं और यहाँ पर इमेजेस देख लेता हूँ कि इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आ रही। अकेला मैं जो सा वो लाइन को सर्च कर लेता हूँ ताकि परफेक्टली हमें इमेजेस मिल सकें। अब ये लाइंस की इमेजेस आना स्टार्ट हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं। और इस तरह आपने क्या करना है कि यहाँ से कोई परफेक्ट इमेज पकड़नी है जो कि आपकी स्टोरी को सूटेबल करे और आपकी स्टोरी के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट मैच करती हो। तो उस इमेज को आपने यहाँ से पकड़ना है और उसको अपनी स्टोरी के अंदर आपने ऐड करना है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये मुझे इमेज कुछ परफेक्ट लग रही है, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमने क्या करना है कि ये देख सकते हैं कि लाइन जो सा है वो जंगल के अंदर बैठा हुआ है। एंड इसको हमने क्या करना है कि फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 4 के रेजोल्यूशन के साथ इमेजेस मिलती हैं और विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती हैं। हमें यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा अगर हम इन इमेजेस को यूज़ करते हैं। जब आप ये तमाम वर्किंग कर लेंगे, आप अपने साउंड्स को भी डाउनलोड कर लोगे लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस, और देन आप जो है वो किसी भी इमेज को भी डाउनलोड कर लोगे, देन आपने क्या करना है, देन आपका यहाँ से वर्किंग एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएगी। आपने देन आना है फिल्मोरा के ऊपर। आप ये वर्किंग मोबाइल फ़ोन के अंदर काइन मास्टर के अंदर भी कर सकते हो, और अगर आप पीसी यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप फिल्मोरा को इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि जस्ट यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है जो कि हमने अभी डाउनलोड की है, इमेज की फ़ाइल है, उसको अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है। एंड उसके बाद हमारे पास साउंड था, साउंड को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं साउंड की फ़ाइल को भी ले आया हूँ, ये काम आपने कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जस्ट इस इमेज को पकड़ना है, लेयर नंबर 1 के अंदर ले आना है और इसको एडजस्ट कर लेना है। जितनी आपकी स्टोरी हुई स्टोरीज के अंदर आप इमेजेस को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल इमेजेस भी लगा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और जब आप टाइटल्स के अंदर आएंगे, डिफ़ॉल्ट टाइटल को आपने यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट टाइटल आ चुका है, इसको आप इस तरह ऊपर एडजस्टमेंट कर लें। इसकी जहाँ पर भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ पर इसके एडजस्टमेंट करें। एंड देन हमने क्या करना है कि वो सेंटेंस जो जिसकी हमने वॉइस भी क्रिएट की थी, जिसको MP3 के अंदर कन्वर्ट किया था, इसी सेम लाइन को हमने पकड़ना है, यहाँ से कॉपी करना है। जस्ट यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C कर लेते हैं। एंड देन हमने क्या करना है कि यहाँ पर अगेन फिल्मोरा के अंदर आएँ एंड यहाँ पर हमने इस लाइन को पेस्ट कर देना है और इसको रिमूव कर देना है। यहाँ पर रिमूव करेंगे, अब वो लाइन जो कि हमने कॉपी की थी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ये इसकी एडजस्टमेंट काफ़ी आ रही है ज़्यादा, तो हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अब आपने क्या करना है कि इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। एडजस्टमेंट करने के बाद आपने यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। आपको यहाँ पर राइट साइड पे एनिमेशन का भी ऑप्शन मिल रहा है और एनिमेशन के अंदर टाइप राइटर एनिमेशन मिलेगी। आपने जस्ट इसको सेलेक्ट कर लेना है और आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने ओके कर देना है। एंड ओके करने के बाद अब वो वॉइस जो कि आपने अभी डाउनलोड की थी, इसी लाइन को आपने कन्वर्ट किया था वॉइस के अंदर, आपने उसको लाना है और सेम एज इट इज़ नीचे यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब सेम एज इट इज़ यहाँ पर वॉइस भी आएगी और साथ आपकी ये वर्डिंग, ये लाइन भी आपकी प्ले होगी। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को एडजस्टमेंट कर लेना है। ये लाइन आपने कम्प्लीटली सेट कर लेनी है। अभी तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन आपने वर्किंग ऐसे करनी है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखो कि यहाँ पर सेंटेंस भी आ रहा है और साथ जो से इसकी वॉइस भी आएगी। इसी तरह वन बाय वन आपने लाइन बाय लाइन आपने जो से इसको कन्वर्ट करते जाना है वॉइस के अंदर, और देन आपने यहाँ पर एडजस्टमेंट करती जानी। ये जस्ट 10 to 15 मिनट्स का काम है और इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर आप अपनी एक शॉर्ट स्टोरी डाउनलोड करके और इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर अपनी शॉर्ट स्टोरी क्रिएट करके आप अपलोड कर सकते हो। इस तरह ये शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो क्रिएट की जाती हैं, फिल्मोरा के अंदर एडिट की जाती हैं और इनको आप तमाम एडिटिंग वगैरह अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से अपनी स्टोरी बेस पे आप इसको कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको तमाम वो चीज़ें नॉलेज मिल चुका होगा जो कि स्टोरी क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। होप्स हो कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। अगर ये वीडियो पसंद है फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, दो में याद रखना अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।